अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज का टॉपिक है चीन की जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, यानी जो बिजली से चलने वाली बसें हैं, जो कि यूरोप और अमेरिका में जो चीन उनको रन कर रहा है, वो वाली बसें जो हैं उनकी पाकिस्तान में आमद और यानी पाकिस्तान में एंट्री, और चीन के तावुन से पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक बसों की पहली प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का क़याम। तो ये जो मामला है चीन का पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक बसों को मुतारफ़ कराना और इस हवाले से सारी पेशरफ्त, ये एक बहुत एक अहम पेशरफ्त है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बस जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से और ख़ास तौर पर इलेक्ट्रिक बसों के हवाले से पाकिस्तान को इसकी अशद ज़रूरत थी। इस हवाले से जो चाइनीज़ कंपनी है यूटोंग, उसका मास्टर जो मोटर वाले हैं उनके साथ एक मुआहदा हुआ है। उस मुआहदे के तहत जो यूटोंग है चाइनीज़ कंपनी, इलेक्ट्रिक बसों यानी इलेक्ट्रिक बसें जो मैन्युफैक्चर करती है, वो पाकिस्तान में पहला ग्रीन फील्ड इलेक्ट्रिक बसों का प्लांट पाकिस्तान में लगाएगी और इस तरह पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बसों की प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। इसके अलावा जो है पाक चीन के तावुन से जो तकरीबन 160 के करीब जो इलेक्ट्रिक बसें हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल की जाएंगी, उसके ऊपर भी पेशरफ स्टार्ट हो गई है, और इस ज़िम्न में कोई 30 के करीब इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो चीन से पाकिस्तान आ चुकी हैं और इस्लामाबाद में ट्रायल रन उनका हो रहा है और मुख्तलिफ रूट्स पे वो इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, और उसके बाद बाकी जो तकरीबन 160 के करीब बसें वो जो है ना उसका पूरा एक फ्लीट जो आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट है पाकिस्तान के उसमें वो शामिल होगा। पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिक ये व्हीकल्स हैं, यानी एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और फिर दूसरी जो आम लोगों की ट्रांसपोर्ट है, यानी आम लोगों का इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट, उस हवाले से इलेक्ट्रिक जो मैकेनिज्म है वो मुख्तलिफ व्हीकल्स में, वो चीन की जो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है उस हवाले से काम बड़ी तेज़ी से उस पर चल रहा है। पाकिस्तान को अगर ओवरऑल इसकी देखा जाए इस हवाले से एयर पोल्यूशन के हवाले से, तो पाकिस्तान में जो एयर पोल्यूशन है जो कि बड़ी ख़तरनाक हद तक पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान पिछले साल तकरीबन दूसरा या पहला नंबर रहा है एयर पोल्यूशन में, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो कि फ्यूल पे चलती हैं उनका एयर पोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल है। और बताया जाता है कि पाकिस्तान में तकरीबन सालाना कोई 1,70,000 के करीब जो अमवात हैं वो एयर पोल्यूशन से रिलेटेड हैं, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो जब ये इलेक्ट्रिक बसें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से पाकिस्तान में शामिल होगी, तो जो ये मामला है अमवात का और लोगों का जो कि एयर पोल्यूशन से काफ़ी हद तक मुतासिर होते हैं, उसमें करी काफ़ी हद तक कमी वाक़या होगी। तो चीन का पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक बसों को जो है दरामद करना, उनको एक्सपोर्ट उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग करना, इससे पाकिस्तान के अंदर एक तो इलेक्ट्रिक जो यानी जिसको हम न्यू व्हीकल्स जो है उसको इनकलाब कहते हैं वो आएगा, और इससे एयर पोल्यूशन काफ़ी हद तक कमी होगी। थैंक यू।